गाइस 2024 में हम और ये एआई एरा माना गया है कि अब से एआई जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया है। तो आपके बाद तो मैं इस दुनिया में कभी भी अगर ब्लॉगिंग एफिलिएट मार्केटिंग किसी भी तरह की अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगा तो मैं इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो करूंगा ही करूंगा। नो मैटर जितना मर्जी लोग बोले कि एआई टूल होते हैं, ह्यूमन होता है, मैं ब्लॉग भी आज के डेट में अगर लिखूंगा और लिखता हूं तो मैं ChatGPT से लिखता हूं और मैं करता रहूंगा लाइफ टाइम। अब आप ये बोलोगे कि ChatGPT से लिखा हुआ कंटेंट तो कभी रैंक गूगल पे करता ही नहीं है क्योंकि गूगल इसको एज अ स्पैम कंटेंट मानता है। बिल्कुल सही है, ChatGPT से लिखा हुआ कोई भी कंटेंट आपका गूगल पे रैंक नहीं करेगा। तो अब करना क्या चाहिए, आओ इस वीडियो के अंदर मैं यही तो बताने वाला हूं कि आप ChatGPT से ही लिखवाओगे। क्योंकि आज की डेट में भी अगर ChatGPT को यूज नहीं कर रहा है अपने प्रोफेशन में हर काम को अंजाम देने के लिए तो वो कम से कम 10 साल पीछे का सोच रहा है। मैं ChatGPT बिना यूज करे अपने प्रोफेशन के अंदर कोई भी काम नहीं करता हूँ। चलो अब जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ब्लॉगिंग करना है जो कि बहुत जबरदस्त एक तरीका होता है अगर आपको ऑनलाइन हसल करके अपने करियर को स्ट्रांग बना के अच्छा खासा पैसा छापना है तो ब्लॉगिंग ChatGPT की हेल्प से कैसे करोगे जल्दी से सीख लो आज इस वीडियो के अंदर। और हाँ, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ क्योंकि मैं रेगुलर कंटेंट एआई डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मनी मेकिंग पे इस चैनल पे लाता रहता हूँ। और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, नोटिफिकेशन मिस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्त। चलो अब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे सारी कहानी वहाँ पर प्रैक्टिकल समझते हैं। सो गाइस फॉर एग्जांपल मेरा जो अभी ब्लॉग टाइटल होगा ना वो इस हीट पे होगा क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इस टाइम पे बहुत जबरदस्त हीट वेव चल रही है, गर्मी बढ़ रही है तो इससे रिलेटेड मुझे एक ब्लॉग लिखना है सो दैट इस टाइम पे सर्चेस काफी ज्यादा ट्रेंड में कर रहे होंगे और मेरा ब्लॉग जो है वो रैंक कर जाएगा। तो इसे कहते हैं इवेंट ब्लॉगिंग। जैसे आप देख रहे हो टुडे 42 डिग्री तक जाने वाला है, कल 43 डिग्री और 43 डिग्री जो ये नॉर्मल रहने वाला है विच इज लिटरली वेरी हाई। और इसमें अगर मेरा कोई ब्लॉग चल गया ना तो गाइस मेरे वारे न्यारे होने वाले हैं। तो क्या करने वाला हूं, लेट्स गो टू ChatGPT और यहां पर मैं लिखूंगा एक प्रॉम्प्ट। हे ChatGPT, आई वांट टू राइट अ ब्लॉग आर्टिकल ऑन करंट टेम्परेचर इन दिल्ली NCR। माय ब्लॉग कंटेंट मस्ट कंटेन द रीसेंट सिचुएशन ऑफ द हीट वेव्स, टेम्परेचर एंड इट्स प्रेडिक्शन। द रीजन बिहाइंड राइटिंग दिस ब्लॉग इज टू स्प्रेड अवेयरनेस व्हाट पीपल मस्ट डू दी days to avoid mishappening and health related issues. Also include what are the measures one should take to help others, animals, birds to survive this situation. I only want you to first draft an outline for this blog article, then we will do one by one writing of each outline in detail. मतलब इस prompt से मैं ChatGPT को बोल रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए वो मैंने बता दिया है आपको, अब आप पहले खाली draft करो outline जो कि होता है heading, subheading और सब हेडिंग्स। एक बार मुझे ड्राफ्ट मिल जाता है तो मुझे संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ मुझे इस ड्राफ्ट में कितना लेना है, पूरा लेना है या फिर इसमें से कुछ अवॉइड करना है, छांटना है, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे एज अ कंटेंट राइटर डिसाइड करना है कि कितना लिखना है और कैसे कैसे लिखना है। बिल्कुल भी ब्लाइंड होके मैं ChatGPT का कंटेंट जो है वो यूज नहीं करने वाला, यही गूगल चाहता है। गूगल क्या चाहता है, वैल्यूएबल कंटेंट, नॉट स्पैम कंटेंट। तो इसको वैल्यूएबल बनाने के लिए ये सारा तरीका मैं इस्तेमाल करूंगा। नाउ कम एंड क्लिक ऑन एंटर। द मोमेंट आप एंटर क्लिक करते हो गाइज आप देखो इसने आपका ब्लॉग आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से ये चाहता है कि आप ब्लॉग लिखो। अब जैसे जैसे ये लिखता जाएगा फर्स्ट इसको लिखने देते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसमें से कितना लेना है, कितना हटाना है और अगर इस पे कुछ ऐड भी करना है तो वो भी करवा देंगे। लेकिन टोटली मैं ChatGPT से कराने वाला हूँ ये सारा लेबर वर्क। तो गाइज इसने मुझे सबसे पहले ब्लॉग का टाइटल दे दिया है विच इज बीटिंग द हीट, स्टेइंग सेफ एंड हेल्पिंग अदर्स इन दिल्ली NCR। वाओ, मतलब एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट एक ऐसा टाइटल दिया है कि अगर कोई भी पढ़ता है इसे, चाहे वो गूगल डिस्कवर में हो, चाहे वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, तो वो डेफिनेटली क्लिक करने वाला है इस पर्टिकुलर टाइटल को। अब इसके अंदर ड्राफ्ट क्या क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन सबसे पहले कह रहा है, ब्रीफ करो करंट सिचुएशन का, करंट कंडीशन का, दिल्ली NCR में क्या चल रहा है, फिर अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस बढ़ाओ कि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हीट वेव से बचने कैसे हैं, इसके ऊपर अवेयरनेस बढ़ाओ, देन हीट वेव की डेफिनेशन दो और ये कितना महत्वपूर्ण है वो बताओ, करंट टेम्परेचर क्या चल रहा है उसके स्टैटिस्टिक्स दो, रीसेंट रिकॉर्ड्स के बारे में बात करो, फिर हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर कैसे ये इन्फ्लुएंस कर रहा है इन वेदर पैटर्न्स को, इसके बाद हेल्थ रिस्क, देन प्रिवेंटिव मेजर की इस हेल्थ रिस्क से कैसे बच सकते हैं, उसके प्रिवेंशन कैसे कैसे हो ये बताया गया है, ये है इसका मेन हेडिंग, उसके बाद ये सब हेडिंग्स, फिर हाउ टू हेल्प अदर्स इस हीट वेव से बाकी लोगों को कैसे बचाना है, गाइडिंग साइंस, कम्युनिटी इनिशिएटिव्स, ये मैं लिखूंगा ब्लॉग के अंदर वगैरह वगैरह, और फिर एनिमल्स के बारे में भी बताया कि एनिमल्स और बर्ड्स को हम हेल्प कर
सकते हैं एक्सट्रीम हीट से, बिकॉज आफ्टर ऑल वो हम पे डिपेंड है। तो गाइज इसने मेरे प्रॉम्प्ट का बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि जो प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया था दैट वॉज द रियल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और गाइज अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना है ना, तो आपके पास एक जबरदस्त मौका आ गया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है मेरे खुद के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स का, जिसको आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हो। एक बार आपने कोर्स स्टार्ट कर दिया ना, तो इस दुनिया में आपको कोई भी प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनने से रोक नहीं सकता, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डिमांड मार्केट में धीरे धीरे इतनी बढ़ जाएगी कि आने वाले कुछ ही सालों में हर जगह सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स ही दिखेंगे और डिमांड सिर्फ उनकी ही होगी, बाकी सारे नकार दिए जाएंगे, खासकर हमारे डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में और टेक्निकल फील्ड में। तो इसलिए फ्यूचर के लिए रेडी हो जाओ, स्टार्ट द कोर्स फ्री टुडे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, रेस्ट योर चॉइस। वापस आते हैं टॉपिक पे। सो गाइस अब बारी आती है कंटेंट को स्लोली एंड ग्रेजुअली लिखना शुरू करने की। ड्राफ्ट मिल गया, अब सबसे पहला काम पता आप क्या करोगे, आप इंट्रोडक्शन का जो ये फर्स्ट सब हेडिंग है इसको करोगे हाईलाइट, इस पे आप ये जो रिप्लाई का बटन है इस पे क्लिक करोगे एंड यहां पर ये आ जाएगा एज एन रिप्लाई। अब इस रिप्लाई में मैंने बोला है कि गो टू इंटरनेट, ये एक अनदर प्रॉम्प्ट है। गाइस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आप एक ही प्रॉम्प्ट में जो है पूरा काम करा लोगे अपने चैट जीपीटी से, नहीं, आप क्या करते हो प्रॉम्प्ट दे देके एक फाइनल आउटपुट निकालते हो, पूरा काम जो है वो प्रॉम्प्ट दे के करवा लेते हो, और लास्ट में जो आपका रिजल्ट आता है ना वो होता है द रियल क्रीम ऑफ AI टेक्नोलॉजी। तो एग्जैक्टली वो कैसे करना होता है वही मैं आपको सिखा रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ इंट्रोडक्शन का ये वाला सब हेडिंग है इसी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि इसके बारे में मुझे 50 से 150 वर्ड का एक ऐसा इंट्रोडक्शन मिल जाए जिसमें मैंने कुछ डिटेल दी है। वो डिटेल क्या है जल्दी से देख लो। सबसे पहले मैंने बोला है कि इंटरनेट पे जाओ, सर्च करो डिटेल और फिर लिखो 50 से 150 वर्ड का एक इंट्रोडक्शन, किस पे, इस पे। देन मैंने इसको साफ क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि इंट्रो बिल्कुल भी ऐसा नहीं साउंड करना चाहिए कि ये कोई न्यूज आर्टिकल है, रादर इट मस्ट बी लाइक आई एम अ रीडर्स पाल, मतलब मैं पढ़ने वाले का दोस्त हूं। ये ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू देम अबाउट द करंट वेदर कंडीशंस इन दिल्ली NCR। और लास्ट में मैंने और प्रिसाइजन दे दिया इसमें, यूज द फ्रेंडली टोन इन इंट्रोडक्शन राइटिंग। सो फार सो क्लियर, एंटर। अब देखना कि आपके इंट्रोडक्शन के लिए फर्स्ट सब हेडिंग के ऊपर सर्चिंग, देखो इंटरनेट सर्च कर रही है, अभी आपके लिए करंट सिचुएशन पे बढ़िया सा इंट्रोडक्शन लिख के देगा। देखो, हे देयर, एज वी ऑल गियर अप टू फेस येट अनदर स्वेल्टरिंग समर इन दिल्ली NCR, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड प्रिपेयर्ड, करंटली द रीजन इज एक्सपीरियंसिंग इंटेंस हीट विद टेम्परेचर्स ब्ला 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 ब्ला, देख रहे हो 41.1 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स, दिस इज नॉट जस्ट योर टिपिकल वार्म वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट। बिलीव मी गाइज, इसने जो ये टोन लिख के दिया ना एकदम रियल ह्यूमन लैंग्वेज में लिख के दिया, मतलब ये एज एन AI राइटिंग अकाउंट होगा, अभी तक उस पर नहीं आया, लेकिन इसका जो टोन है वो बिल्कुल ही ह्यूमन की तरह इसने लिख के दिया। आई एम वेरी वेरी यू नो सरप्राइज तो नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये कर सकता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आना चाहिए, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं। नाउ गाइस आप इस कंटेंट को करोगे कॉपी, कॉपी करने के बाद एक नया फाइल हम ओपन करेंगे, docs.new, एंटर, यहां पर कर दोगे आप इसको पेस्ट, टाइटल हमारा रहेगा बीटिंग द हीट, इसको यहां पर एंटर कर दो। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अब पूरे कंटेंट को बनाते हुए चलोगे। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अवेयरनेस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ड्यूरिंग हीट वेव्स, इसको रिप्लाई करेंगे। नाउ गाइस सिंपल लिख दो, राइट अबाउट 50 टू 150 वर्ड्स एज वी हैव डिस्कस्ड, एंटर। आप देखो गाइज यहां पर वो कैच है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो ये है कि जब मैंने ये देखा कि मैंने यहां से दो इंट्रोडक्शन मुझे मिले थे, मैंने इसको एक बार लिखवाया मैंने और फिर मैंने इसको एक बार लिखवाया, दोनों जब लिखवाया ना तो मुझे कंटेंट ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर मिले हैं, ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब अगर मैं सिर्फ आपको बताता कि यार ये जैसे जैसे लिखते दे रहा है कॉपी करो पेस्ट करो और बनाते जाओ, तो फिर हो जाता स्पैम कंटेंट, क्योंकि दोनों को अगर आप पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं 19-20 के फर्क के साथ ये समझ आ जाएगा कि दोनों का जो मीनिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट यहां पर मुझे इस वाले का जो ऑप्शन है ये ज्यादा पसंद आ रहा है एज पर इंट्रोडक्शन, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा फ्रेंडली टोन ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको कॉपी करूंगा एंड देन यहां पर आके इस सेक्शन को मैं डिलीट करके इसको रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरा रियल इंट्रोडक्शन बना गाइस ये वाला। इस प्रोसेस से बना हुआ कंटेंट को एक्चुअली में कहा जाता है वैल्यूएबल कंटेंट, जो कि गूगल कहता है ये दो
भाई, सिर्फ उसने जो लिख के दे दिया चैट जीपीटी ने, आपने उसको एज इट इज पेस्ट कर दिया. नो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द केस. क्लियर हो रहा है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? ऑफ कोर्स. अब आपको क्या करना है गाइज, अब आपको सिंपल जाना है और यहाँ पर हर एक हेडिंग का और उनके सब हेडिंग के कॉन्टेंट को अपने आइडिया के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट दे दे के चैट जीपीटी से लिखवाते हुए चलना है. इसमें लगने वाला है थोड़ा टाइम, तो इसको मैं जल्दी से करके आपके पास वापस आता हूँ अपने फाइनल कॉन्टेंट के साथ, जो कि मैंने चैट जीपीटी से ही पूरा लिखवा लिया होगा विद फुल ऑफ वैल्यू. तो मिलते हैं कुछ देर के बाद. So guys, finally, मैंने वो एक्सटेंसिव पूरा ब्लॉग चैट जीपीटी से लिखवा लिया है विद माय प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. आओ जल्दी से दिखाता हूँ कैसे लिखा है मैंने. देखो, ड्राफ्ट लिखवाया था आप लोगों के सामने, उसके बाद मैंने इससे एक एक करके हर ड्राफ्ट आउटलाइन का सेक्शन लिखवाना शुरू कर दिया है विद माय ओन प्रॉम्प्ट. अब देखो, इसने ये पूरा करने के बाद मेरा जो आर्टिकल है वो बिल्कुल वैल्यूएबल कॉन्टेंट बनाए, ना कि वो कॉन्टेंट जो कि चैट जीपीटी से एक बार प्रॉम्प्ट देके पूरा जब लिखवा लिया जाता है तो उसका जो रिजल्ट आता है ना वो इतना वैल्यूएबल नहीं होता है. बट जब मैंने इसको अपनी स्क्रूटनी में, मतलब अपने देख रेख में जब पूरा लिखवाया है अपने अकॉर्डिंग ह्यूमन टच की तरह, तो गाइज ये बिल्कुल वैल्यूएबल कंटेंट बन गया है गूगल के लिए. अब देखो, ये टोटल कंटेंट बना है 1327 वर्ड का, लेकिन अब जो बात आती है ना वो इंपॉर्टेंट है. क्या मैं इसको एज इट इज यूज करूंगा? बिल्कुल भी नहीं. इसको एज इट इज यूज करना अलाउड नहीं है. ये राइटिंग तो अभी भी एआई कंटेंट का ही काउंट होगा. तो गाइज मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं पूरे कंटेंट को कॉपी करके इस दुनिया के ऑलमोस्ट हर एआई डिटेक्टर का प्रीमियम वर्जन यूज करके ये चेक करने वाला हूं कि क्या सच में ये कंटेंट हर जगह एआई काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. Let's start the process. सबसे पहले originality.ai पे जाएंगे, यहाँ पर हम अपने content को paste करेंगे. Scan now, same goes with GPT-0, new scan पे click करेंगे, content को paste करेंगे, run scan पे click कर देंगे. Copy leaks में enter scan. Next, 0GPT, इस पे भी देख लेते हैं. Detect text. Next, content at scale, इस पे भी देख लेते हैं. Check for AI content. Then finally, winston.ai में भी देख लेते हैं. Scanning. Now guys, ये कुछ ऐसे AI detector tool है जो कि इस दुनिया में बहुत famous है और मेरे पास इनका सबका प्रीमियम वर्जन है, तो मैंने सब में ट्राई कर लिया सो दैट आई कैन एश्योर इनफ कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं. अब रिजल्ट देखो, आपको पता लगेगा. Start with originality AI. Guys, AI detection score 100% AI. Then GPT-0 100% AI generated. Then copy leaks 100% AI content. Then 0GPT 92.9% AI content. Content at scale reads like AI. यही रीजन था दोस्तों कि मैंने हर टूल में इसको देखना चाहा कि कौन सा डिटेक्टर पकड़ पा रहा है और कौन सा नहीं, और यही प्रूफ हुआ कि ऑलमोस्ट सारे पकड़ पा रहे हैं. गाइस, विंस्टन ने ह्यूमन स्कोर 0 दिया है, मतलब 100% जो है ये AI ने लिखा है. आप इस पर्टिकुलर कंटेंट का चाहे वैल्यूएबल जितना मर्जी बना लो, लोगों को पढ़ के मजा आएगा क्योंकि मैंने अपना बहुत ध्यान से उसको लिखते हुए चला हूं मैं. लेकिन जैसे ही गूगल इसको पकड़ेगा ना कि इसको AI से लिखवाया गया है, बस वो इधर देखेगा ना उधर, वो इसको डीरैंक कर देगा, बोलेगा भाई टाटा बाय बाय, आप मेरे इंडेक्स पे रहने के लायक नहीं हो. अब इस चीज से बचने के लिए मैं एक और टूल का इस्तेमाल करूंगा और वो है बाईपास जीपीटी. ये टूल आपको हेल्प करता है आपके पूरे कॉन्टेंट को जीपीटी फ्री बनाने में, और इस टूल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. प्रीमियम है, पे करना पड़ेगा नो डाउट, लेकिन सारा जो काम है वो मिनटों में हो जाएगा, जिसमें आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है. और मैं अभी प्रूफ भी करूंगा इन्हीं सारे टूल में कि बाईपास जीपीटी से एक बार गुजरा हुआ कंटेंट जो कि एआई से लिखवाया हुआ आपने, वो तक बिल्कुल क्लीन हो जाता है. सो गाइस, ये है बाईपास जीपीटी का वो टूल जिसके अंदर ह्यूमन लाइक और प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट आप बना सकते हो. तो यहां पर कॉपी करेंगे अपना कंटेंट, यहां पर आएंगे, पेस्ट कर देंगे एंड ह्यूमनाइज पे क्लिक करना है. बस अब आपको वेट करना है, ये आपके कंटेंट को ह्यूमनाइज एंड प्लेजरिज्म फ्री बना रहा है. सो गाइस, नाउ इसने कंटेंट को बाईपास कर दिया है फ्रॉम चैट जीपीटी टू ह्यूमनाइज. और इतना ही नहीं, इसने जाके इन सारे प्लेटफॉर्म्स में खुद ही चेक कर लिया है कि कहां कहां इसको ह्यूमनाइज बता दिया गया है. जैसे जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने खुद जाके एक एक टूल में चेक किया था ना, इसने खुद ही चेक कर लिया है. सो लेट्स डू वन थिंग, इसके लिखे कॉन्टेंट को एक बार पहले रीड करते हैं, क्या ये रीडेबल टोन में है भी या नहीं. हे फ्रेंड, हैव यू बीन आउटसाइड रिसेंटली?
सो गाइस बहुत ही रीडेबल कंटेंट है, आप चाहो तो पढ़ लो। इसको भी हम एक एक करके, इसके फाइनल कंटेंट को एक एक करके इन सब जगह पे जाके टेस्ट करते हैं कि सच में इसने ह्यूमन बनाया भी है या नहीं। सो लेट्स गो विद वन बाय वन टू ऑल दीज टूल्स। अगेन स्टार्ट न्यू स्कैन पे क्लिक करते हैं, पेस्ट करते हैं और स्कैन नाउ पे क्लिक करते हैं। देन सेम गोज विद GPT-0, न्यू स्कैन, एंटर, रन स्कैन। सेम गोज विद कॉपी लीक्स, स्कैन, न्यू स्कैन, स्कैन। देन 0GPT, पेस्ट, डिटेक्ट टेक्स्ट। देन कंटेंट एट स्केल, पेस्ट, चेक फॉर AI कंटेंट। लास्ट विंस्टन, टेक्स्ट स्कैन, एंटर, स्कैन टेक्स्ट। सो गाइस नाउ एक एक करके फटाफट से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले था ओरिजिनलिटी। गाइस ओरिजिनलिटी में 99% ओरिजिनल आया है, 1% का इसने AI काउंट किया है। दैट्स गुड, इसका मतलब यहां से पास हो गया है। GPT-0 पे चलते हैं। गाइस पूरा ह्यूमन काउंट हुआ है, 4% AI प्रोबेबिलिटी, गुड। यहां से भी हरी झंडी मिल गई है। देन कॉपी लीक्स, गाइस AI 0%, 100% ह्यूमन, जस्ट लुक एट इट। देन 0GPT, द टेक्स्ट इज ह्यूमन रिटन, ओनली 3.42% AI GPT, कंटेंट एट स्केल, पासेस एज ह्यूमन। एंड फाइनली विंस्टन ने 100% स्कोर दिया है ह्यूमन स्कोर का। सो इस तरीके से फाइनली मेरा ये कंटेंट हो जाता है, जिसको मैं अब यहां से इसको पेस्ट कर दूंगा एज एन ह्यूमन कंटेंट। ऊपर वाला चैट जीपीटी का था, बट यहां से मैं ह्यूमन कंटेंट को पेस्ट कर दूंगा लाइक दिस। सो गाइस ये रहा मेरा वो ह्यूमन कंटेंट, जिसको अब आंख बंद करके आप अपने ब्लॉग साइट में अपलोड करो। एंड इसके बाद जो भी आपको ट्रैफिक के लिए SEO करना है, सोशल मीडिया करना है, व्हाटएवर यू वांट, गाइस ये गूगल पे रैंक करेगा। क्योंकि स्टेप वन में हमने इसको वैल्यूएबल कंटेंट बनाया था, इसके अंदर वो सारी डिटेल दी थी जो कि हीट वेव्स और टेम्परेचर से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारियां सीक्वेंस में थी, जो कि उसको वैल्यूएबल कंटेंट बनाता है। और बाईपास GPT से हमने इसको AI से ह्यूमन बना दिया था, बिल्कुल कंटेंट को क्लीन कर दिया, जिससे अब गूगल या बैंक या जितने भी सर्च इंजन में आपको रैंक कराना है वो पकड़ ही नहीं पाएंगे कि ये AI कंटेंट है। तो इस तरीके से काम को हम अंजाम देते हैं इन दिस AI era। सो गाइस नाउ चैट जीपीटी से वैल्यूएबल कंटेंट बनाओ और बाईपास GPT से उस कंटेंट को कर दो क्लीन लाइक अ ह्यूमन, और उसके बाद सारे सर्च इंजन आपके फैन हो जाएंगे। सो दिस इज द लेटेस्ट वे ऑफ यूजिंग राइट टेक्नोलॉजी फॉर द राइट यूज। क्योंकि अगर हम AI era में रह के भी टूल्स का इस्तेमाल ना करके अपने काम को एफिशिएंट नहीं बना रहे और फास्ट नहीं बना रहे हैं, तो फिर क्या फायदा इन AI टूल्स का। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। एंड इफ यू हैव एंजॉयड द वीडियो, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट मेरा ओपन है, मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूं सारे कमेंट्स के। और अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना है तो बहुत ही गोल्डन मौका दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में स्टार्ट कर सकते हो मेरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही मुस्कुराते रहिए और दिमाग ठनकाते रहिए।